मधुस किचन। आज हम लोग बनाएंगे फूल गोभी के डंठल की सब्जी। चलिए बनाना शुरू करेंगे एक आसान सब्जी जो कि कोई भी बना लेगा। आप खुद सोचेंगे आज तक आपने इससे पहले क्यों नहीं बनाई। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुमड़े को इस तरह से छोटे छोटे डाइस पर काट लेंगे। इसका छिलका नहीं उतारेंगे, इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लेंगे। उसी तरह से आलू को भी हम लोग इसी तरह से छिलके के साथ ही इस तरह से डाइस छोटे छोटे टुकड़े पे काट के तैयार कर लेंगे। और साथ में जो गोभी होता है ना, फूल गोभी, उसके जो डंठल है, जिस तरह से हम लोग गोभी को डंठल को निकाल के अलग करते हैं ना सब्जी के लिए, तो उसी सब्जी का जो डंठल होता है वो डंठल हम लोग ले लेंगे। जैसे ये देखिए, ये जो गोभी का पत्ता होता है ना जो डंठल के साथ होता है, इसी को हम लोग टुकड़ा टुकड़ा करके काट लेंगे और फिर बीच में से ऐसा स्लाइड करेंगे और देखिए पतला पतला बिल्कुल काट के तैयार करेंगे। और सारे गोभी के डंठल को ही हम लोग इसी तरह से काट के ले लेंगे। देखिए इसी तरह से, देखिए कितने पतले पतले छोटे छोटे टुकड़े में मैंने काटा है, इसी तरह से आप काट के तैयार कर लें। चलिए आगे का प्रोसेस करेंगे। मैंने सारी सामग्रियों को बहुत अच्छे से धो लिया है। कुमड़ा, आलू, जो गोभी के डंठल थे वो सारे बहुत अच्छे से पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है 2-3 बार करके। अब मैंने कढ़ाई में तेल बिठाया है गर्म होने के लिए। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगी हम लोग इसमें डाल देंगे करीब 5 से 6 तेज पत्ते। इसमें तेज पत्ते की क्वांटिटी आप बिल्कुल कम मत करिएगा, क्योंकि तेज पत्ते का जो फ्लेवर है इसमें बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हम लोग डालेंगे सरसों के दाने यानी कि राई 2 चम्मच। इसको तड़कने देंगे। जैसे ये तड़क जाएगा तो मैंने मूंग की दाल ली हुई है, देखिए मैंने 2.5 कप मूंग की दाल ली है, इसको मैं इस तेल में डाल लूंगी। अब इस दाल को मेरे को इस तेल में 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करने हैं। इसमें जो सरसों है वो आप 1.5 से 2 चम्मच तो डाले ही, क्योंकि सरसों और जो तेज पत्ती है आपकी, यही आपके इस रेसिपी में स्वाद बढ़ाएगा। तो ये दोनों ही क्वांटिटी आप बिल्कुल कम मत करिए। पहले इसको अच्छे से हम लोग फ्राई करेंगे। देखिए आपको दिखेगा कि ये मूंग की जो दाल है, देखिए अगर मैं पास से दिखाऊंगी, देखिए थोड़ा सा लाल लाल सा पड़ने लगा है। इतना समय तक आपको इसको फ्राई करने हैं। इसमें इसको फ्राई करने के लिए आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। अब जैसे ये फ्राई हो जाए तो आप इस पर डाल लें पानी। देखिए मैं इसमें पानी डाल दूंगी और पानी डाल के अच्छे से इसको मिला देंगे और साथ ही साथ इस पर डालेंगे हम लोग जो गोभी के डंठल हम लोगों ने टुकड़े टुकड़े करके काट के रखे हुए हैं, वो गोभी के डंठल। मैंने यहाँ पर करीब 3 बड़ी गोभी के डंठल यूज किए हुए हैं। साथ में हम लोग डाल लेंगे टुकड़े में कटे हुए जो आलू है वो आलू, टुकड़े में कटे हुए जो कुमड़ा हम लोगों ने रखा हुआ था वो कुमड़ा, सब चीज़ इसमें एक साथ डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम लोग डाल लेंगे स्वाद अनुसार नमक और साथ ही में डालेंगे हल्दी का पाउडर करीब 1.5 टेबल स्पून। मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। अब इसको भी हम लोग अच्छे से इसमें मिला देंगे। अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए पानी जो है वो काफ़ी मात्रा में है। ये कारण यही है क्योंकि आपको जो मूंग दाल हम लोगों ने इसमें डाला है उस मूंग दाल को इसमें पकना है। साथ में ये पूरे जितनी भी सब्जी हम लोगों ने इसमें ऐड किया है, इन सब्जियों को भी इसी पानी में हमको पकाना है।
तो इसीलिए थोड़ा सा पानी की जो क्वांटिटी है, आप देखेंगे ये सब्जी जो है आपकी इस तरह से अगर आप दबा देंगे तो देखिए ये डूब जाएगी। इस तरह से आपको इसको लगाना है। अब साथ ही में इसी समय आप डाल लें करीब 7 से 8 हरी मिर्चें। अभी फिलहाल हम लोग पहले 7 से 8 हरी मिर्च ही डालेंगे, उसके बाद जैसे ये थोड़ा सा पक जाएगा हम लोग एक बार मिला लेंगे अच्छे से, उसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्च और डालेंगे। ये थोड़ा सा स्पाइसी बनेगा तो ही खाने में मज़ा आएगा। आप समझ सकते हैं लॉकडाउन का समय है तो कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो ये आप घर में बना के ज़रूर ट्राई करिए। ये बहुत अच्छा खाने में होता है और कोई भी चीज़ आपका वेस्ट नहीं होगी, गोभी के जो डंठल हैं वो भी नहीं फकाएंगे और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। अब इसको हम लोग ढक देंगे और पकने के लिए छोड़ेंगे जब तक ये सारी सब्जियां नरम नहीं पड़ जाते। चलिए करीब 15 मिनट हो गए हैं मेरे को इसको पकाते हुए, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये दाल जो है वो करीब बॉयल हो आया है और थोड़ा सा इसको पकना है। देखिए पानी भी जो है इसका रिड्यूस हो गई है और सब्जियां भी मेल्ट होने लगी है। एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। देखिए आलू भी पक गई है, तो अब हम लोग इसको फिर से ढक के पकाएंगे, लेकिन उससे पहले करीब 10 से 12 हरे मिर्च हम लोग फिर वापस इसमें डालेंगे, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा स्पाइसी बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैं हरी मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप बिल्कुल इसको कम कर लें। इसको हम लोग ढक देंगे फिर वापस 10 मिनट पकाएंगे इसको। देखिए ये सारी सब्जियाँ जो हैं वो बिल्कुल पक गई है और ये रिड्यूस भी हो गई है, दाल भी पक चुकी है। अब इसमें हम लोग डालेंगे ऊपर से कच्चा सरसों का तेल थोड़ा सा, और साथ ही में डालेंगे एक बड़ा चम्मच शक्कर, क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्च काफ़ी मात्रा में यूज़ किया हुआ है, इसीलिए एक चम्मच हम लोग शक्कर भी साथ में डालेंगे। इसमें सब्जी का जो स्वाद है वो बढ़ जाएगा। अब इसको अच्छे से हम लोग मिला देंगे। यकीन मानिए इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, आप सोचेंगे खुद इतनी आसान सब्जी आज तक आपने बनाई क्यों नहीं। इसको अच्छे से मिला देंगे और उतार लेंगे। करीब 2 से 3 मिनट इसको पकने देंगे, ऐसे ही छोड़ेंगे क्योंकि कच्चा तेल जो है उसका स्वाद जो है वो चले जाएगा। 2 से 3 मिनट आप इसी तरह से इसको खोलने दें और उसके बाद इसको उतार लें। लीजिए बनके तैयार है फूल गोभी के जो डंडी होती है, जो डंठल होती है उसकी सब्जी। आप भी बनाएं और बताएं ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।